तो कैसी है पब्लिक? वैसे ये जो फ़ोन है ना, जल्द ही लॉन्च होने वाला है जियो फ़ोन 3। वैसे ये पिछले साल ही लॉन्च हो चुका होता, बट कोरोना वगैरह की वजह से सब कुछ रुक सा गया है। और हाँ, थोड़ा वीडियोस भी अलग तरीके से आ रहा है, लेकिन हाँ, जल्दी अपने अनबॉक्सिंग वगैरह भी आने शुरू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का फ़ोन है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो मैं पहले आपको प्राइसिंग बता देता हूँ, जो कि आने वाला है ये फ़ोन सबसे सही प्राइसिंग में, जो कि है 3,500 से लेके 4,500 के बीच। तो मतलब हर कोई ले सकता है ये फ़ोन, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे इसमें हमें वेरिएंट भी मिलने वाले हैं। आप देख सकते हो, मैं इस वीडियो चला पड़ा है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। पहले मतलब एकदम फुल स्क्रीन, वो भी नॉच के साथ, तो और भी ज़्यादा अच्छा है। फुल LCD स्क्रीन है, तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा आपको देखने में। आई प्रोटेक्शन के साथ भी आता है, फेस रिकॉग्निशन भी मिलेगा हमें इसमें। रिलायंस ने काफ़ी सही चीज़ निकाली है ये, बिकॉज ऐसे फ़ोन्स की जो ज़रूरत रहती है वो ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो हमारे अभी के फ़ोन्स हैं वो सारे थोड़े बहुत महंगे हो जाते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। बट ये फ़ोन जो है, ये रिलायंस बराबर लेके आया है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला जब ये लॉन्च हो जाएगा। वैसे इसका लॉन्च 27 जुलाई में था पिछले साल, बट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है बिकॉज कोरोना वगैरह की तरह से, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें एंड्रॉयड 8.1, वैसे ये हो सकता है कि ये अपडेट हो जाए, हमें एंड्रॉयड 10 मिल जाए इसमें, बट कुछ कह नहीं सकते बिकॉज प्राइसिंग कम है, तो इन्हें एंड्रॉयड के भी अलग से पैसे देने पड़ते हैं और बाकी के भी फंक्शंस के। तो अभी वो देख लेंगे, वो वैसे प्राइसिंग रेंज के हिसाब से इस फ़ोन में जितने फीचर्स मिल रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा सही भी है। तो पता नहीं ये अभी कब लॉन्च होगा। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।